lives of our pyare pyare juniors. It wasn't long when we were standing in the same shoe, just as fresh, new and raw. And now the time has come for us to pass the baton. I welcome you all to Aarambh 2023. So let us get ready for a night filled with exuberance. Before we further advance into this evening, I would like to request Principal Sir and all the respective faculty members to come upon the stage for the lamp lighting event. Lord Ganesha has always been worshipped first in our culture. So how can we forget to celebrate his wisdom? So let me please call upon stage the students of batch 2022 present. Thank you.
Best number 6,
batch number 7, batch number 8, batch number 10, and batch number 16. Please come near the stage. Boys, batch number 6, batch number 10, batch number 11, batch number 14, and batch number 16. Each contestant will be given 40 seconds to perform. So let's call upon our talented juniors to showcase their interest. Let me please call upon our contestant number 1 for girls batch number 1. जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून होना चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए।
भगवान की संज्ञा हम डॉक्टर्स को देते हैं। थैंक यू। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना,
वैसी तो तुम मुझे कोई भी
बनारस जा रही हूँ बठिंडा, मुझे नहीं जाना तुम हॉस्टल से आ रही हो ब्रॉथल से, आई जस्ट डोंट केयर ऑलराइट, सो जस्ट प्लीज प्लीज लीव मी। देखो मेरा आशा पता है तुम महा अपसेट हो और तुम कुछ में भी अपसेट हो गए, बट आई डोंट माइंड। हाँ तुम्हें पता है क्यों आजकल मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता है? पूछो क्यों, पूछो पूछो, मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरी ना शादी होने वाली है, मैं भाग कर शादी कर रही हूँ, तुम आओगी ना? तुम आओगी? अजीब है। थैंक यू। हेलो, हाँ पापा मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अरे No, only poor man, hungry man. भाई
चलेगा भाई? अबे तेरी तो इतनी छोटी में कैसे बैठी गई है? गैरी कैसे डाल दूं क्या? ए हाइट क्या बता रही है? व्हाट? ए हाउ लॉन्ग? ओ भाई साले देखना फ्रेश माल लेके आया है। कहाँ से लाया है भाई? उधर जो फोन किया ना उधर रास्ते से उठाया। क्या भाई? अरे भाई भूत आ जाओ। ऐसा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक हंसती हुई माँ और एक बिन बिराई बहन, सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर। माँ स्कूल से भी टायर्ड थी और हमेशा टायर्ड रहती थी। बाप किसी जमाने में पोस्ट मास्टर था। पैरालिसिस के बाद बॉडी आधी बंद हो गई और सैलरी पूरी। और बहन छोड़ो, मगर पानी तो फोकस करते हैं।
for the extempore run. The contestants are Gaurav, Bhavya, Sahil, Ayush, Shivang from the boys' side. Whereas from the girls' side, Akarshan, Anjani, Richa, Muskan, and Anshika. Please come on the stage, all of you. About the topic given on the spot for at least 40 seconds. You can extend the topic up to 1 minute and 30 seconds. Remember to keep your voice crisp, brain witty, and confidence high. Best of luck to all the contestants. Good evening, everyone. The topic which is given to me is the importance of social media in democracy. जैसा कि हम सबको बताएं social media क्या और democracy की क्या? Democracy होती है rule by the people, for the people and to the people. आज के time में social media दुनिया को इतनी तेज कर दी है जिसकी वजह से छोटी सी खबर दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती है. इसके कारण रातों रात ही सरकारें भी गिर जाती हैं. डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है. जैसे कि हम देख सकते हैं हर नेता अपना सोशल मीडिया बैकग्राउंड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिससे उनके फॉलोअर्स और बढ़ते जा रहे हैं, वो और ताकतवर होते जा रहे हैं, लोगों को उनकी स्कीम्स के बारे में मालूम चल रहा है, क्या नेताओं ने क्या क्या काम किया सब हमें पता चल जा रहा है सोशल मीडिया के तरफ से. थैंक यू. Is lying a necessary evil? First of all, we all know lying. अब हम आजकल की दुनिया में देखते हैं कलयुग चल ही रहा है, तो कलयुग में झूठ कौन नहीं बोलता? लेकिन यहाँ झूठ का मतलब necessary evil से कहाँ relate कर पाएंगे हम? जहाँ झूठ से किसी का भला हो पा रहा हो, तो वहाँ पे झूठ भी एक necessary हो जाता है. लेकिन evil कहाँ होता है? कलयुग से हम जानते हैं झूठ कौन नहीं बोल पा रहा है इस समय. हम रोजभर की दुनिया में देखते हैं, घर पे जाते हैं तो परिवार वालों से, पेरेंट्स से किसी न किसी बात पे, दोस्तों के साथ गए थे किसी बात से रिलेट करके झूठ बोल ही देते हैं, अपने दोस्तों से बोल देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं कुछ नहीं. तो ये सब चीजें झूठ में रोजमर्रा में देखते हैं, चलते हैं. लेकिन यहाँ पे नेसेसरी इविल वी कैन से लाइंग इज अ नेसेसरी इविल ओनली इफ इट इज फॉर अ गुड फेथ एंड अ गुड वर्क. थैंक यू. अपने दोस्तों की बातों से इन्फ्लुएंस से जाते हैं ये. कभी कभी हमें अच्छी चीजें के टुवर्ड्स लीड करता है, कभी कभी बुरी अच्छी चीज. जैसे अगर हमारे फ्रेंड्स पढ़ रहे हो तो हम बैठ कर कुछ ना करें तो हम उनके चक्कर में पढ़ भी लेते हैं. और बुरी चीजें, बुरे हैबिट्स जैसे कि झूठ बोलना, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, ये सब उनको देखते देखते हम लोग सीखते हैं. और इन द लॉन्ग रन हमें इसमें फ्रेंड्स बनाने पर काफी ध्यान देना चाहिए. अपने को समझना चाहिए कि अब अगर हम लोग किसी को दोस्त बना रहे हैं तो देख के बनाएं. और पीयर प्रेशर के अंदर मतलब हम लोग का मतलब अच्छा भी समझ में बुरा भी समझ. Good morning, good evening everyone. My name is Ayush Pandey. My batch number is 3. The topic that is given to me is grass is greener on the other side. या इसको हिंदी में भी हम कह सकते हैं कि दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं. या एक और इसका होता है कि दूसरे की थाली में रखी हुई रोटी के कोल में लगा हुआ घी हमेशा ज्यादा ही लगता है. सिचुएशन हमें मिली है जिसकी कंडीशंस में हम वो गेम खेल रहे हैं या हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं, उसको ना देख के हम देखते हैं कि जो सामने वाला हमारा है उसको किस तरीके से कंडीशंस मिली है. और ये देख के हम बस भाई नहीं होते, हम कंपेयर करने लग जाते हैं. हम देखते हैं कि
कम मिला है लेकिन इसको फिर से बहुत ज्यादा मिला है, तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर ऐसा हमेशा डिसएडवांटेजियस होता है क्योंकि इससे जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। प्लस अगर सामने वाला हमसे कम है तो आप कहते हैं यार मेरे को तो इससे बहुत ज्यादा मिला है, तो इससे हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो दोनों ही साइड पे देखें तो वी शुड नॉट सी ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड एंड वी शुड सी आवरसेल्फ, वी शुड सी द कंडीशंस दैट आर गिवन टू अस। थैंक यू क्योंकि वो एक मतलब एक ऐसा पर्सन है जो कि वो डेडिकेटेड है अपने गोल के लिए। वो एक तरह से होकागे बनना चाहता है, एक लीडर बनना चाहता है अपने विलेज का, जो कि कभी गिव अप नहीं करना चाहता। उसके रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है जब वो पैदा होता है, और वो आगे बढ़ने के लिए कभी भी गिव अप नहीं करता। उसका एक मतलब एक ड्रीम होता है कि मैं होकागे बन के रहूंगा, और वो उसके लिए कभी गिव अप नहीं करता, हार्डवर्क करता रहता है, अपने जो गलतियां हैं उनसे इम्प्रूव करता रहता है। और उसका एक राइवल होता है उसी कैरेक्टर में सास्के, उसी को लेकर वो उसे मतलब उसे इंस्पिरेशन लेते हैं लेकर, और वो आगे बढ़ता रहता है। और यही है कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने जो भी हर सेकेंड है उससे मतलब इम्प्रूव होते रहना है, हर सेकेंड इम्प्रूव होते रहना है, हर जो प्रीवियस जो गलतियां उनसे करो। थैंक यू। सोशल इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, एवरीवन नोस अबाउट कोविड-19। आई थिंक कुछ चीजों में ये अच्छा भी है और कुछ चीजों में ये खराब भी है। खराब इसलिए क्योंकि हमने इसमें इतनी सारी डेथ देखी है लोगों की, इतने सारे बच्चे अनाथ हो गए, लोगों ने इतने सारे लोगों को खो दिया। पर अगर उसका अदर साइड देखते हैं तो फिर कुछ चीजों में ये काफी ज्यादा अच्छा भी है। जैसे कि कोविड-19 की वजह से लोग काफी सतर्क हुए हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन किया है काफी हद तक। जैसे कि पहले घर के बाहर बच्चे जब खेलने जाते थे और जब खेलकर वापस आते थे तो उन्हें जो भी मिल गया उठाकर खाने लगे, बट कोविड-19 के बाद से अब वो घर पे आते हैं, पहले उनके पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं कि अपना हैंड वॉश करो, लेग वॉश करो, उसके बाद तुम कुछ खाओ। इसी तरीके से हम मार्केट से जब सब्जियां लेकर आते थे ऐसे ही हल्का सा वॉश करके हमने खा लिया, बट उसके बाद से हम क्या करते हैं, हम सब्जियां लेकर आते हैं, उन्हें कुछ टाइम तक हम बाहर रखते हैं ताकि हम बोलते हैं कि स्टरिलाइज हो जाए या जो भी हो जाए, उसके बाद ही हम उसको धुलते हैं, थोड़े टाइम तक बाहर रखते हैं और फिर हम उसको बनाते हैं फिर खाते हैं। तो आई थिंक कि कोविड-19 बून भी है और बैन भी है। थैंक यू। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दोस्त या फिर आपको कोई फैमिली मेम्बर या फिर आप कोई किसी फंक्शन में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए, या फिर मैं इस चीज़ को मिस कर रहा हूँ किसी फंक्शन में, या फिर किसी अपनी स्टडी से रिलेटेड, या फिर ये चीज़ बैड हैबिट्स में ज़्यादा जाती है। मान लो आपको कोई दोस्त है वो कहीं स्मोकिंग करने जा रहा है, आपको ऐसे आदत नहीं है स्मोकिंग की, बट एक पीयर प्रेशर के दौरान आप उसके साथ इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि यार मैं भी स्मोकिंग एक बार करके तो देखता हूँ कैसी लगती है। इसी को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको हमेशा ही ऐसा लगता रहेगा यार ये तो मुझे करना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए। बट इस चीज़ को हम पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों तरीके से लेके जा सकते हैं। पॉजिटिव वे में हम अपनी पढ़ाई से रिलेटेड लेके जा सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप स्टडी करके और फिर आपस में डिस्कस करके इसको इम्प्रूव कर सकते, अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं कि यार उसने इतना पढ़ लिया ठीक है चलो मैं भी अब इसको पढ़ के इतना समझा देता हूँ। इसके हमें हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना चाहिए। थैंक यू। आप इंडिया को देख लीजिए, इंडिया में
कल्चर हैं, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, कितने सारे कल्चर हैं और हमें हर कल्चर का एक्सपोजर कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो हम मेडिकल कॉलेज में ही देख सकते हैं। यहाँ कई सारे स्टेट से बहुत सारे बच्चे आते हैं और हर कोई अलग अलग कल्चर को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे आके सारे कल्चर मिक्स हो जाते हैं और हर कोई एक दूसरे के कल्चर से कुछ अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करता है और कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उन सबको देख के अपनी लाइफ को और लोग बेटर बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर हमें मल्टीकल्चरिज्म प्रमोट करना है, मतलब जैसे कि हमें प्रमोट करना है, तो हम बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और जितना ज़्यादा भाईचारा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। Hats off to their vocabulary chosen, hats off their speech delivery. Now I would like to invite Anand and Ananya for the further program. Happiness is the sole pursuit of humanity. There are various shortcuts to happiness and dancing is one of them. So let me call you on stage the dance group that will blow your minds and have an impression upon your hearts. So put your hands together for dance group Mayday. Just
of our enthusiasm. So the students had showcased their talent in the form of making caps and crowns. And they did an extremely wonderful job. Now it's time for them to showcase their caps and crowns. I request the following contestants to come onto the stage and recite their names. Sakshi Garg, Shruti Goyal, Anjali Jindal, Manali Pangwal, Mantasha and Richa Patel. Devendra Kumar, Harshit Chaudhary, Shivang Mani Tripathi, Gaurav Kumar, Ayush Pandey, Mayank Dev. Kumar.
नृत्य की बात करें तो जो फोक डांसेस होते हैं, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, जो कि आजकल हम बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, इनफैक्ट हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, वो भी सारे रिलीजन से ही उठाए जाते हैं, उनको कॉपी किया जाता है। के बीच का संतुलन एक भ्रम है, इस बारे में आपका क्या विचार है? गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज संचिता गुप्ता, माय बैच नंबर इज 8। मेरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी या जब मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी तो वो मेरे दिमाग में गया था कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या हम मतलब मेंटेन कर सकते हैं अगर मेडिकल फील्ड में आने का सोचे तो। लेकिन जब मैंने लोगों को देखा जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं और वो जानते हैं। देखिए कठिनाइयाँ हर प्रोफेशन में है, इसमें भी है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ को दिल से परस्यू करना, आपका पैशन है, तो आप कहीं भी कम्फर्टेबल हो सकते हैं, कहीं भी बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप हर जगह आराम और आप मेहनती नहीं हैं, अगर आप मतलब आपको सिर्फ कामयाबी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, बहुत छोटे रास्ते से चाहिए, तो आपको हर जगह परेशानियाँ आएंगी। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ परेशानियाँ आपके पीछे पीछे आएंगी। और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको दिल से उस चीज़ को प्यार करना चाहिए जो आप करना चाहते हो। तो मैंने भी यही किया, अगर मतलब मुझे इस फील्ड से दिल से प्यार था इसीलिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया और इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू। बुद्धिमत्ता का सही प्रतीक है और क्यों? गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज गौरव कुमार, माय बैच नंबर इज 11। माय क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन गिवन टू मी इज, द एकेडमिक स्कोर आर रियली अ गुड मेजर फॉर द समवन्स इंटेलिजेंस। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट रियली अ गुड मेजर फॉर द समवन, फॉर मेजरिंग समवन इंटेलिजेंस, बिकॉज someone's intelligence cannot be measured only by their academic scores. The scores that they get in the academics is not all over their life activities. They are just their bookish knowledge and their knowledge they are given in the academics. And the last thing I want to say that if you want to measure someone's intelligence, do not just judge them by their academic score. Just them by their overall activities. Thank you. Thoughts on feminism. नारीवाद पर आपका क्या विचार है? जैसे आप लोग सब लोग इंजॉय कर रहे हैं लग रहा है, तो थोड़ा रिजल्ट बनाने में थोड़ा टाइम है, तो मैं कुछ चंद मिनट आप लोगों के चाहूंगा कि चारों तरफ रोशनी का इंतजाम है और यहां बैठे सभी को मेरा सलाम है।
और अर्ज किया है कि प्यासे होठों को जाम लिख दूंगा, प्यासे होठों को जाम लिख दूंगा, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा। तू जो कह गए एक बार तेरी हूं, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। और अर्ज किया है इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा आराम तो करिए। देखो अर्ज किया है कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाएंगे, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा शेर है कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाएंगे और हौसला हार कर बैठे तो मर जाएंगे, और चल रहे थे जो हमारे साथ कहाँ हैं वो लोग, चल रहे थे जो हमारे साथ कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते कि रास्ते से बिखर जाएंगे। और अर्ज किया है कि शबनम शराब फूल चमन रंगो नूर हो, शबनम शराब रंगो चमन, शबनम शराब फूल चमन रंगो नूर हो। सलफ सर तवज्जो चाहता हूं कि शबनम शराब फूल चमन रंगो नूर हो, तुम आबरूए इश्क हो दिल का सुकून हो, और जुल्फे और जुल्मे वफा कबूल है अपना हमें जनाब, जुल्मे वफा कबूल है अपना हमें जनाब, सारे कसूर मेरे हैं बेकसूर हो आप बिल। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं तो एक गजल कह दूं, इजाजत हो तो एक गजल कह दूं और आपकी जुल्फों को खिलता हुआ कवल कह दूं। अरे शंगे मरमर से तराशा ही आपका बदन, शंगे मरमर से तराशा ही आपका बदन, दिल तो चाहता है इसे ताजमहल कह दूं। तवज्जो चाहता हूं, एक छोटी सी गजल है। मेरी फितरत में ही बेवफाई नहीं, मेरी फितरत में ही बेवफाई नहीं, मेरी फितरत में भी बेवफाई नहीं, मेरी फितरत में ही बेवफाई नहीं, तेरी तस्वीर अब तक जलाई नहीं, और बस इसी बात से दिल परेशान है, बस इसी बात से दिल परेशान है, बस इसी बात से दिल परेशान है, आज उसने नजर क्यों मिलाई, के प्यार में धोखा देना बुरी बात है। मुझे चाहता हूं कि प्यार में धोखा देना बुरी बात है, प्यार करने में कोई बुराई नहीं, प्यार करने में कोई बुराई नहीं, तेरी तस्वीर अब तक जलाई नहीं। और शेर अर्ज तो शीशे दिल पे है दाग गम बेशुमार, सलाम सर तवज्जो चाहता हूं, शीशे शीशे दिल पे है दाग गम बेशुमार, क्या करे दूसरी रास आई नहीं, क्या करे दूसरी रास आई
की नहीं, तेरी तस्वीर अब तक जलाई नहीं। मतलब अर्जेंट के वो भी निकला नहीं दायरों से कभी, वो भी निकला नहीं दायरों से कभी, बात मैंने भी आगे बढ़ाई नहीं, बात मैंने भी आगे बढ़ाई नहीं, तेरी तस्वीर अब तक जलाई नहीं। और ना से तवज्जो चाहता हूं के दोस्त, के दोस्त वो एक जख्म खाने के बाद, दोस्त वो एक जख्म खाने के बाद जिंदगी फिर कभी मुस्कुराई नहीं, जिंदगी फिर कभी मुस्कुराई नहीं, तेरी तस्वीर अब तक जलाई नहीं। धन्यवाद। तो एक तवज्जो चाहता हूं कि शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, और पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। और ये कैसा दौर है यार अब यहां इस दौर के बच्चे, ये कैसा दौर है यार अब यहां इस दौर के बच्चे, बड़े होते नहीं है लेकिन मोहब्बत करने लगते हैं। मैं भी वही हूं, मेरी मोहब्बत भी वही है, फिर क्यों तेरी नजर के इशारे बदल गए। गैरों की बात का ना बुरा मानिए जनाब, गैरों की बात का ना बुरा मानिए जनाब, हम क्या करें कि हमसे तो हमारे बिछड़ गए। और अर्ज किया है कि कोई आपके पास आना चाहता है, कोई आपके पास आना चाहता है, लेकिन कोई बहाना चाहता है। और यूं ही उलझा नहीं है पैर मेरा, यूं ही उलझा नहीं है पैर मेरा, कोई मुझे गिराना चाहता है। और अर्ज किया है कि दरबार में, दरबार में शाहों के कलंदर नहीं आते, दरबार में साहू के कलंदर नहीं आते, और दरियाओं से मिलने को समुंदर नहीं आते। अरे ये तो आपकी नजरों का असर है कि ख्वाब जो आंखों में है बाहर नहीं आते। धन्यवाद। इट्स टाइम वी एक्नॉलेज द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हियरबाय आई एम अनाउंसिंग द विनर्स ऑफ बेस्ट कैप एंड बेस्ट क्रम। एनी गेसेस from the audience? Any guesses? Congratulations to all those
participants who participated in various events and won the various prizes. It is I would like to thanks our principal sir, our madam Prajapati madam, principal sir Dr. N.C. Prajapati sir, and senior faculty members. Very, very thanks for they spent their valuable time for this event. So, my sincere thanks to all of them. And I also thanks to the various students and faculty members for participating, and they made this program very success. And I came little bit late, but enjoyed a lot. And the various programs by the students, like the group dance by the boys, group dance by the girls, it was wonderful. And the cap and crown events, that was a very good event here. And extempore round was also very, very good round was conducted here. And I give the congratulations to all the participants and who won the prizes here, and all those who participated in this program. This is very good events, and I wish it should continue all the years. Or along with these events, my sincere advice is that we should also try hard in our studies and in maintaining the discipline in our college. And I also thanks to the various HODs of various departments, wardens, boys hostel warden, warden girls hostel, and the various HODs here sitting here, Dr. Mukesh Bansal, Dr. Sarvan Bhargav, Dr. Shiva Saran Madam, or Madam Prajapati, and distinguished guests here, Dr. Mukhtiyar Hussain, Dr. Salah, Bess, and other faculty members. Very much thanks for participating and sparing their valuable time for this event. And my sincere advice to the student is that they should also work hard in their studies, and they should maintain the discipline, especially in going out the hostels. They should take the permission from the principal at least when they go to the out of the hostel. And they should come in time. What is the rule has been framed out by the administration. They should stick to the to that rules. Wish you all the best. Wish you all the grand success and very bright future, all of you. Thank you.
the contents that you all chose was good. The performance was very good. The hooting was good, but not as good as the performance. I expected the hooting should have been much, much more than that. But I really admire the performance of everybody. अगर आप इस बैच के आरंभ को देखें और उसमें खासतौर पर जो लास्ट में कुछ टॉपिक्स दिए गए थे जिसमें बेस्ड ऑन दैट डिसाइडेड द विनर्स, उसमें ये था कि डू मिरेकल्स हैपन. आई एग्री, मिरेकल्स डू हैपन. I requested the organizing batch 2021. They said हमें समय चाहिए, तो मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है. I decided the date. Thanks to Muktiaz Venkat, Neha and Akansha that they did, and a big round of applause for the 2021 batch. Yeah, that's good. That's good. So you agree, miracles do happen and miracle has happened. Another was that village in India, our college is also in a rural thing, and you have seen the whole India come in this village, and it will really prove that yes, there's a lot that happens in village. One more question was multitasking. I think all of you have done that multitasking. You have done that multitasking, your exams were there. After that, you did one day of bunk, mass bunk. And then finally you have done this, so multitasking has really helped. Another question was a balance between the medical branch and personal. We can. The only key to it is that you start a work, finish it. अगर आपने finish नहीं किया तो आपका stress pile up पर रहेगा और फिर आप उस pressure को अपने साथ घर पर ले जाएंगे और फिर वो professional life और personal life में वो conflict है. So, I really appreciate, I don't know who chose these topics, but the questions that were given was really very good. Organizers, congratulate the persons who did it. And before you ask, I declare tomorrow as a holiday for you. Enjoy,
relax. Sunday and Monday I will be in the same home as I was. Thank you very much. कुछ हंस पड़ी तन्हाइयां क्या ये खुमार है क्या एतबार है शायद ये प्यार है शायद क्या बेख्याल है क्या इंतजार है शायद ये प्यार है शायद कुछ खास है कुछ खास है कुछ अजनबी Thank you.
कमरिया कमरिया कमरिया